हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं चैलेंज शेखावत, एसी टेक के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, काफी जन बोलते हैं नाइट्रोजन यूज करो। ओके, तो नाइट्रोजन क्यों यूज करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक मैकेनिक के दिमाग में होते हैं नाइट्रोजन यूज करने से पहले, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन क्यों यूज करना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के साथ उसका जो रेगुलेटर है वो क्यों यूज करना चाहिए और वो किस तरह से यूज करना चाहिए। ओके, और जो तीसरा क्वेश्चन रहता है वो ये है कि नाइट्रोजन का कितना प्रेशर हमें मशीन में डालना चाहिए और किस तरह से नाइट्रोजन सिस्टम में चार्ज करना चाहिए लीक टेस्टिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं ये सारे पॉइंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो ऑल एसी एरर कोड एप्लीकेशन है, ओके, इसके अंदर आर्टिकल सेक्शन है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ डेली एसी टेक्नीशियंस के लिए आर्टिकल डाल सकूं, जिससे वो पढ़ के उनकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आर्टिकल सेक्शंस में। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है नाइट्रोजन क्यों यूज करनी चाहिए। ओके, काफी जनों ने देखा है, हमने भी यूज किए कई बार, कि हम जो है कॉम्प्रेसर लेके जाते हैं, छोटा जो रेफ्रिजरेटर का कॉम्प्रेसर होता है वो साइड पे लेके जाते हैं और उससे हम जो है एयर सिस्टम के अंदर चार्ज कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, तो ये तो आपको सबको मालूम है कि एयर में होती है मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो सिस्टम में मॉइस्चर होने की वजह से हमारे जो एक्सपांशन वॉल्व है उसमें प्रॉब्लम आती है, हमारे जो फिल्टर है वो जल्दी चोक हो जाता है और इसके बाद में और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो ऑयल है हमारे जो एसी का सिस्टम है या रेफ्रिजरेटर का सिस्टम है, अभी इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, पहले हम यूज़ करते थे मिनरल ऑयल, ओके, अब जो यूज़ होता है वो होता है सिंथेटिक ऑयल्स। तो इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी अगर वो ऑयल मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो ऑयल ख़राब हो जाता है, वो यूज़ का नहीं रहता। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ऑयल है कंप्रेसर के अंदर, ऑयल है जो हमारी मशीन है उसमें, जो कंप्रेसर है उसमें ऑयल है, वो खराब होने के चांसेस होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी वाइंडिंग्स है कंप्रेसर के अंदर ही वाइंडिंग होती है और ये वाइंडिंग में भी जो मॉइस्चर है उसके वजह से शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम नाइट्रोजन प्रीफर करते हैं, कोई भी आपको बोलता है कि नाइट्रोजन ही आप चार्ज करना चाहिए। इसके अलावा भी एक और बेनिफिट है नाइट्रोजन का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब भी एयर चार्ज करते हैं सिस्टम में, काफ़ी बार क्या होता है माइन्यूट लीकेज होता है, तो हमें लीकेज रिपेयर करने के बाद एक दिन मशीन छोड़नी पड़ती है। बड़े सिस्टम में ऐसा ही होता है, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में या एसी में हम लोग नॉर्मली नहीं रखते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें एक दिन मशीन में जो प्रेशर है वो रखना पड़ता है, और खासकर जो बड़े सिस्टम है जिसमें रेफ्रिजरेंट ज़्यादा यूज़ होती है उसमें तो रखना ही पड़ता है कि एक दिन नाइट्रोजन होल्ड करके हम रख दें या एक दिन एयर होल्ड करके रख दें, तो नेक्स्ट दिन हम जाके देखते हैं कि प्रेशर वो डाउन हुआ है या नहीं। अगर डाउन नहीं हुआ है तो हमें पता चलता है कि लीकेज नहीं है, अगर डाउन हुआ है तो लीकेज है। तो इस तरह से अगर हम लोग एयर डालते हैं, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एयर का, अगर आपने कंप्रेसर से प्रेशर एयर का उसके अंदर भर दिया सिस्टम में, तो क्या होता है एयर का जो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है, ओके, प्रेशर के ऊपर एक टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर जितना आएगा उतना वो प्रेशर अपने आप हो जाता है। ओके, तो वो प्रेशर आपको मालूम है जो बाहर जो टेम्परेचर है, अभी एक मशीन यहाँ पे रखी हुई है समझिए, इसमें हमने नाइट्रोजन प्रेशर भर दिया या एयर प्रेशर भर दिया, पहले हम एयर का ले रहे हैं इसीलिए एयर प्रेशर हमने इसमें भर दिया है। ओके, तो आज का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है बाहर का, और ये मशीन में हमने एयर भरा हुआ है, और कल अगर आप आके देखेंगे और कल टेम्परेचर 28-29 हो गया, बाहर का जो टेम्परेचर है मशीन के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है वो 28-29 हो गया, तो जो अंदर एयर है उसका भी प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से प्रोपोर्शन में होते हैं, अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा है एयर के रिलेशन में। और इसी के विपरीत अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो अगर आप नाइट्रोजन आज डाल के जाते हो 26 जो टेम्परेचर है, कल 28 तक होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है प्रेशर जो है टेम्परेचर से बहुत कम वेरी करता है। ओके, एयर के मामले में आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन में एकदम माइनर करता है, इसीलिए भी हम नाइट्रोजन प्रीफर करते हैं यूज़ करने के लिए, आप सिस्टम में नाइट्रोजन यूज़ कीजिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि नाइट्रोजन क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट देखे, सबसे पहला जो है हमारा क्या एक्सपांशन वॉल्व ब्लॉक कर सकता है, फिल्टर ब्लॉक कर सकता है,
वाइंडिंग में इश्यू आ सकते हैं, ऑयल को खराब कर सकता है, और लास्ट हमने देखा जो हमें प्रेशर टेस्टिंग है वो भी बराबर नहीं हम कर सकते हैं उसके जरिए। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन था हमारा कि नाइट्रोजन रेगुलेटर, ओके, तो अब आपको ये तो मालूम पड़ेगा कि नाइट्रोजन यूज करना है, ओके, लेकिन नाइट्रोजन यूज करने के लिए किस तरह से यूज करना है ये अब हम देखने वाले, ओके। तो नाइट्रोजन रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर आपको नाम से पता चल गया होगा कि रेगुलेट करता है, यानी कम या ज्यादा आपके जरूरत के अनुसार, ओके। क्योंकि नाइट्रोजन का जो सिलेंडर होता है नॉर्मली, इतना जो सिलेंडर आता है 5 फुट 5.5 फुट का जो सिलेंडर आता है, उसके अंदर लगभग 2000 PSI का जो है नाइट्रोजन का प्रेशर होता है, ओके। तो बहुत ज्यादा है ये प्रेशर। अगर हम डायरेक्ट अडेप्टर लगा देते हैं, काफी जनों को देखा हुआ भी है मैंने कि डायरेक्ट अडेप्टर लगाते हैं और वो सिस्टम में हमारे प्रेशराइज चार्ज करने लगते हैं, तो काफी बार क्या होता है कि अगर वो 2000 PSI का जो सिस्टम है, जो प्रेशर है वो हमारे सिस्टम में जाएगा तो क्या होने वाला है। आप काफी बार देखते होंगे कि लोग तुरंत बंद कर देते हैं वॉल्व, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर जाता रहता है, लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन जो प्रेशर है वो 2000 है और आपने जो मशीन में डाला है वो 300-400 जाता होगा, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो 2000 प्रेशर है वो इक्वलाइज होने की कोशिश करेगा, ओके। तो किसी दिन अगर आपका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हम एज अ मैकेनिक हमने भी काम किया है, काफी बार हमारा भी ध्यान नहीं रहता है काम करते वक्त, या कोई हमारा 2-3 काम में एकदम दिमाग घुसा हुआ रहता है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि आप है ना वॉल अगर आपने खोला और उसको बंद करना आप भूल गए, तो इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। जो मशीन है उसके अंदर ये 2000 जो PSI प्रेशर है वो जाके इक्वलाइज होने की कोशिश करेगा, तो लगभग 1000-1200 PSI भी उसके अंदर जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, इतना प्रेशर मशीन में जाने के बाद जो भी वीकेस्ट पॉइंट होगा वो वहां से वो ब्लास्ट हो जाएगा और जो भी मैकेनिक उस पर काम कर रहा है उसको इंजरी हो सकती है इस केस में, ओके। और मशीन में इश्यूज तो होंगे ही होंगे, साथ में वो जो पर्सन काम कर रहा है उसको भी इंजरी हो जाएगी, तो ये ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन रेगुलेटर। ताकि क्या है, नाइट्रोजन रेगुलेटर क्या करता है कि आपको जितना डिजायर प्रेशर है, ओके, डिजायर आपका जो प्रेशर है उतना ही उसके अंदर जाएगा, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नाइट्रोजन सिलेंडर लेते हैं, डायरेक्ट चार्ज करते हैं, तो आपको ये मालूम नहीं होता कि नाइट्रोजन सिलेंडर में कितना प्रेशर है, क्योंकि उसमें गेज नहीं होता, ओके। डायरेक्ट आप एडेप्टर लगाते हैं और डायरेक्ट हमारे सिस्टम में डाल रहे हैं, और हमारे गेज में भी 2000 PSI नहीं होता, तो हम वो देख सकते हैं कितना PSI इसके अंदर है। अगर आपका AC का गेज यूज करेंगे तो गेज भी आउट हो जाएगा, इसीलिए कोई गेज यूज नहीं करता, डायरेक्ट हम डालते हैं। तो इस केस में भी होता है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर प्रेशर कितना है और जाना कितना है, इसीलिए नाइट्रोजन रेगुलेटर बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन रेगुलेटर देख सकते हैं आप इमेज में, इस तरह से होता है। इसमें जो सिलेंडर का साइड लग रहा है आप देख सकते हैं, सिलेंडर की जो पोर्ट है वहां पे ये कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद में जो आप उसी साइड में सिलेंडर के साइड में जो गेज देख सकते हैं आप, ओके, जो ये गेज है, ये गेज क्या करता है, जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है ये दिखाता है। तो हमेशा आप देखेंगे तो ये जो गेज है वो 4000-5000 PSI तक का होता है, ज्यादा PSI का होता है, ताकि ये जो सिलेंडर का प्रेशर है वो हमें यहाँ दिखा सके, ओके। तो अगर आप इसके ऊपर एक देख सकते हैं और इसके बाजू में एक और गेज लगा हुआ है, ओके, नाइट्रोजन सिलेंडर के बाजू में और उसके एक और बाजू में एक और गेज लगा हुआ है, तो दो गेज है। तो जो बाजू वाला गेज है उसमें क्या दिखाएगा, जो हमारा जो सिस्टम में प्रेशर जा रहा है वो दिखाएगा। तो ये गेज आप कभी भी देखेंगे तो कम रीडिंग का होगा, नॉर्मली 500-600 PSI के अंदर ही होता है। या आप अगर कोई बड़ी सिस्टम में काम कर रहे हैं या दूसरा कोई रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग छोड़ के नाइट्रोजन और भी जगहों पर यूज होते हैं, तो वो यूजर्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जितना आपको प्रेशर डिजायर है उसके हिसाब से आपको गेज लगाना पड़ेगा और उसके हिसाब से रेगुलेटर भी लेना पड़ेगा। तो हमारे जो सिस्टम में आप प्रेशर डालेंगे तो इसके अंदर क्या है, एडजस्टिंग नॉब है ऊपर, आप देख सकते हैं ये डायफ्राम को टाइट और लूज करता है। इससे क्या होगा, अगर आप ये जो नॉब है, एडजस्टिंग नॉब है, प्रेशर एडजस्टिंग नॉब है, ओके, इसको आप टाइट करेंगे तो देखेंगे आप प्रेशर है ना जो हमारे सिस्टम में जाना है वो आपको गेज में दिखता जाएगा बढ़ते हुए, ओके। आपको जो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खोलना है आपका सिलेंडर का वॉल, ओके, सिलेंडर का वॉल खोलना है और जो रेगुलेटर है हमारा उसका जो आउटपुट है हमारी मशीन में जाने वाला है उसे बंद कर देना है। इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन है गेज में आएगी, पहले रेगुलेटर में जाएगी और रेगुलेटर से आपको प्रेशर दिखाएगी और उसके बाद आप उसके ऊपर सेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर आपके सिस्टम में चाहिए, क्योंकि अभी आपकी जो आउटलेट लाइन है वो बंद है, ओके। तो आप जैसे जैसे जो नॉब है इसको राइट यानी घड़ी के डायरेक्शन में आप इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ओके, ये टाइट होता है,
टाइट होता है तो इसमें क्या होता है, जो प्रेशर है आपका सिस्टम में जाने वाला बढ़ेगा, और आपको जो लेफ्ट साइड का गेज है जिसके अंदर हमारे सिस्टम का प्रेशर दिखता है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इससे जरिए से आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेट कर दीजिए, इसमें हमने समझो 200 PSI जी सेट कर दिया। ओके, फिर आप नीचे चार्जिंग लाइन लगाइए और अपने मशीन से इस वॉल को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, फिर जो है नाइट्रोजन जो यहाँ 2000 है, ओके, जो हमारे सिलेंडर में 2000 है, वो रेगुलेटर के जरिए हमारे सिस्टम में जाएगी, लेकिन कितनी जाएगी, जितनी आपने सेट की हुई है 200 PSI। अगर 200 PSI चली गई तो ये जो रेगुलेटर है क्या करेगा, ये इसे यहीं पे बंद कर देगा। ओके, जैसे ही 2000 से 200 इसमें चली गई और ये यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन रेगुलेटर काम करता है और ये एक सेफ्टी डिवाइस है, हर किसी को नाइट्रोजन के साथ में ये रेगुलेटर यूज करना ही चाहिए। तो हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको मिल गया कि नाइट्रोजन रेगुलेटर किस तरह से काम करता है और आप किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था वो है कि कितना प्रेशर हमें कौन सी मशीन में डालना है, ये कैसे पता चल सके। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे पास काफी सारे रेफ्रिजरेंट्स हैं और काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप रेफ्रिजरेटर देखेंगे, ओके, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, R134a, तो उसमें जो सक्शन साइड प्रेशर है वो कितना होता है, नियरली 10 से 15 PSI, और डिस्चार्ज साइड में नियरली 120 PSI, और उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो नियरली 90-95 PSI के अंदर ही है। और उसके विपरीत अगर आप एसी में देखेंगे तो एसी में प्रेशर कितना होता है, अभी 410A का अगर रेफ्रिजरेंट के सिस्टम है तो उसमें प्रेशर कितना होगा, जो नॉर्मल स्टैंडिंग प्रेशर है वो होगा 250 से 260-270 तक होगा। रनिंग प्रेशर जो सक्शन साइड होगा वो होगा 110 से 130 के बीच में, और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो अप्रोक्स 500 तक चला जाता है। तो ये दोनों केस में आप देखेंगे जो रेफ्रिजरेटर है उसमें प्रेशर्स बहुत कम है और इसमें बहुत प्रेशर ज्यादा है। ओके, तो इसी हिसाब से आपको रेफ्रिजरेंट के हिसाब से आपको पता करना है कि इसके अंदर प्रेशर हम लीक टेस्टिंग के लिए कितना डाल सकते हैं। ओके, अगर आप एसी में काम कर रहे हैं तो R22 का अगर एसी है तो उसमें आपको मालूम है 300 PSI तक जाता है, तो उसके अंदर आप डालिए 250 PSI, जी आपको माइनूट से माइनूट लीकेज मिल जाएगा। ओके, और इन द केस ऑफ R410 है तो उसमें आपको 400 PSI जी प्रेशर डालना पड़ेगा माइन्यूट लीकेज के लिए। ओके, और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आपको इवोपरेटर और कंडेंसर अलग करना होगा, क्योंकि इवोपरेटर में प्रेशर कम होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने प्रेशर ज़्यादा डाल दिया सिस्टम में तो क्या होगा, जो सबसे वीक पॉइंट होगा वहाँ से अपने आप लीक हो जाएगी सिस्टम। ओके, तो आपका जो लीक करने का जो था, आप वहाँ से वो लीक हो गई तो आपने उसको रिपेयर कर दिया और बाद में मालूम पड़ेगा एक और माइनर लीकेज रह गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर जैसे मैं बात कर रहा था, तो आपको ये भी देखना है कि उसके अंदर कौन से जो इवोपरेटर है, जैसे रेफ्रिजरेटर में जो इवोपरेटर वो होता है एल्यूमिनियम का। ओके, वो एल्यूमिनियम का इवोपरेटर के अंदर आप ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हो, इसीलिए अगर आप इसीलिए आप चेक कीजिए कि कौन सी मशीन है, उसके अंदर कौन से पार्ट लगे हुए हैं और किस तरह से वो पार्ट जो प्रेशर है वो होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए हम नॉर्मली जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर 100 PSI के नीचे ही हम डालते हैं। अगर उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, वो रेफ्रिजरेटर में जो एल्यूमिनियम का इवोपरेटर है वो ब्लास्ट हो जाएगा और वो पंचर हो जाएगा कहीं से भी और डैमेज हो जाएगा। ओके, और वो कुछ फायदे का नहीं होगा हमारे। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि कौन सी गैस है, कौन सा सिस्टम है, कौन से उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे R22 का मैंने बताया, R410 का बता दिया, और जैसे ही इसी तरह से आप बाकी गैसों का भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे तीनों क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिल चुका है, वक्त आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। और एक और बात मैं आपसे अलविदा लेने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने ये वीडियो पूरी देखी है शायद, ओके, तो नीचे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस।